हेलो स्टूडेंट्स, मैं संजय गुप्ता आपका अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। जैसा कि मैंने अपने ऑफलाइन बैचेज में प्रॉमिस किया है कि हम लोग ऑनलाइन जाएंगे और प्रीवियस ईयर के पेपर को डिस्कस करेंगे, और उसी प्रॉमिस को पूरा करते हुए आज हम एसएससी सीजीएल 2018 tier-1 के पेपर सॉल्व कर रहे हैं। आज हम जो है पेपर सेट 1 डिस्कस करेंगे, और इसके बाद आप देख सकते हैं 21 सेट्स हैं, इनको 1 by 1 डिस्कस किया जाएगा। इस डिस्कशन के बाद अगर आपको ऐसा लगता है कि आपका कोई सोल्यूशन नहीं है, आप सोल्यूशन समझ में नहीं आता, या आपको कोई प्रॉब्लम अभी भी एग्जिस्ट करती है, तो आप मेरे इस ईमेल आईडी पर मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं या मुझे व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। तो बगैर इधर उधर की बातें किए हुए हम लोग सीधे क्वेश्चन पर जाते हैं, क्योंकि एग्जाम में हमको एक्चुअली क्वेश्चन ही सॉल्व करने हैं और उसी से हमारा डिसाइड होना है कि हमारा सिलेक्शन कहाँ तक कितना अच्छा कितना सफल हो पाएगा। तो मैं इधर उधर की बातें ज्यादा नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको सीधा क्वेश्चन पे लेके चलता हूँ। आपका जो पहला क्वेश्चन है ये रीअरेंजमेंट क्वेश्चन है, जंबल सेंटेंस क्वेश्चन है। इन क्वेश्चन को करने की स्ट्रेटजी ये अलग अलग प्रकार की स्ट्रेटजीज होती है, लेकिन ये तो क्लियर है कि हम इतना बड़ा क्वेश्चन जो है पढ़ नहीं सकते, इतना टाइम नहीं लगता हमको, ये इतना टाइम हमारे पास नहीं होता, बहुत कम टाइम हमारे पास होता है। तो इसको देखने के लिए हम लोग इसकी स्कैनिंग करते हैं। स्कैनिंग मतलब कि हमें क्या क्या दिखाई पड़ सकता है, कैसे हम पकड़ सकते हैं। तो जैसे मैंने देखा, नन ऑफ देम आर वेनमस, पहला हम जो सर दिखाई पड़ता है इनमें से कोई भी जो है वेनमस नहीं है। और जल्दी से मैंने चेक किया तो मुझे दिखाई पड़ता है कि सी पार्ट में हियर यू सिप ड्रिंक इन द कंपनी ऑफ 35 स्नेक्स। तो एक मेरा जो पेयर बनता है वो सी और बी का बनता है, सी और बी के बीच में हाँ कुछ आ सकता है, सी और बी साथ साथ भी हो सकते हैं, ये तो क्लियर है कि सी ऑप्शन जो सी सेंटेंस है ये बी को प्रिसीड करेगा। तो मैं अपने ऑप्शन में जाता हूँ, तो सी भी मुझे इसमें दिखाई पड़ रहा है, इसमें मुझे सी भी दिखाई नहीं पड़ रहा, इसमें मुझे सी भी दिखाई नहीं पड़ रहा, इसमें मुझे सी भी दिखाई नहीं पड़ रहा। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो 1 होगा, और हाँ बिल्कुल श्योर हो सकते हैं कि क्वेश्चन का आंसर 1 है, क्योंकि सी भी तो फॉलो करना ही करना है और किसी भी पैटर्न में फॉलो नहीं करता। नेक्स्ट क्वेश्चन एक सेंटेंस एरर क्वेश्चन है, आपको इसमें आइडेंटिफाई करना है कि किस पार्ट में इसमें एरर है। और इस बार 2018 में जो एक आपने एक अलग चीज देखी होगी, और एक आपके सर से बोझ उतर गया होगा कि इस बार आपके पास नो एरर का ऑप्शन नहीं है, क्योंकि एक स्टूडेंट जब भी ग्रामेटिकल एरर का क्वेश्चन सॉल्व करता है तो हमेशा उसके एट द बैक ऑफ द माइंड ये रहता है कि इसमें कहीं नो एरर तो नहीं है। तो इस बार आप देखिए, तो इसमें सीजीएल ने ये काम आपको खत्म कर दिया है, इसमें डेफिनेटली इसी पार्ट में आ रहा है। तो इस क्वेश्चन को देखने के लिए एक बार स्कैन करते हैं इसको भी, इस क्वेश्चन को देखते हैं। वी हैड टू डिक्लाइन सेवरल ऑर्डर्स, हमें कई ऑर्डर्स को डिक्लाइन करना पड़ा, इनकेस, इनकेस का मतलब इफ होता है यदि, और ऐसा करके जो हमारा है कंडीशनल सेंटेंस बनते हैं, कंडीशनल सेंटेंस आप बनाते हैं। जस्ट अ सेकंड, कंडीशनल सेंटेंस, और अगर इफ के बाद में आप सीधा दैट इफ के बाद आपको एक क्लॉज लगाना पड़ता है, इफ के बाद एक क्लॉज लगाना पड़ता है, लेकिन आप देखेंगे तो सीधा दैट आ गया है, तो दैट अपने आप खुद में एक क्लॉज लेके बैठा हुआ है, तो हमें इफ के पास एक क्लॉज नहीं मिल पा रही है। तो अगर मुझे एरर लगाना है तो मेरा ये वाला पार्ट बिल्कुल क्लियर है कि इस पार्ट में मेरा एरर है। ये सही क्या होगा, आप जब एग्जाम दे रहे हैं तो आपको ज्यादा दिमाग देने, ज्यादा ध्यान लगाने की जरूरत नहीं है कि इसमें सही क्या होगा, बस हमें पहला होता है एरर आइडेंटिफाई करना होता है किस पार्ट में एरर है हमारा ये। लेकिन मैं इसको देख लेता हूँ, आगे चल के देखते हैं कि यहाँ पे सही आंसर क्या हो सकता है। तो कंडीशनल सेंटेंस तो नहीं बन रहा है, तो ये बन रहा है, तो कंडीशनल सेंटेंस जब बटेगा तो आपको कंडीशन लगाना पड़ेगा। और यहाँ पे आप देखें, वी हैड टू डिक्लाइन सेवरल ऑर्डर्स, हमें कई ऑर्डर्स को डिक्लाइन करना पड़ा, द प्रोडक्शन वॉज हेल्ड अप बिकॉज ऑफ द लेबर स्ट्राइक, लेबर स्ट्राइक की वजह से प्रोडक्शन जो है रुक गया था। तो ये जो है एक कॉज है, ये जो है एक इफेक्ट है, और कॉज के साथ आप जो है बिकॉज का प्रयोग करेंगे, तो आप यहाँ पे बिकॉज या बिकॉज की पूरी फैमिली है, एज है, सिंस है, या फॉर, फॉर से पहले आप एक कॉमा लगाएंगे, तो यहाँ पे आ सकता है। तो आंसर जो है 1 होगा, और आपको यहाँ पे इनकेस दैट पूरे के स्थान पे आपको बिकॉज या एज या सिंस या फॉर, फॉर से पहले कॉमा लगाया जाता है, कभी हम कंजंक्शन क्लास जब करेंगे तो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा फॉर अपने से पहले कॉमा क्यों लेता है। तीसरा क्वेश्चन हमारा स्पेलिंग क्वेश्चन है। अगर मैं इसमें इस वर्ड में फोर्थ को देखता हूँ
तो फोर के साथ एक ये है कि अगर आप इसमें कोई भी सफिक्स ऐड करते हैं तो वाई जो है आई में ऐड होता है, तो जो फोर्थ वाला स्पेलिंग है वो तो करेक्ट है। कैलस का मतलब होता है संवेदनहीन और इसकी स्पेलिंग भी करेक्ट है। और आपके पास एक वर्ड और है कैरियर, जो जैसे पब्लिक कैरियर होता है, तो इसको भी आप वाई में करेंगे तो आपके पास जो स्पेलिंग निकल के आएगी वो आएगी कैरियर। तो ये कैरियर तो ठीक है, और साथ ही साथ आप बैंकिंग में करियर बनाना चाहते हैं, द वर्ड इज प्रोनाउंस करियर एंड दिस इज प्रोनाउंस कैरियर, तो ये स्पेलिंग भी सही है। तो आखिर फिर प्रॉब्लम कहाँ पे है? प्रॉब्लम हमारे इस वर्ड में है, जो प्रॉब्लम है कैलेंडर की स्पेलिंग जो है एक्चुअली गलत है। तो कैलेंडर की स्पेलिंग जो सही स्पेलिंग है वो मैंने आपको यहाँ लिख के दी है, आप इसको फर्दर मोर एग्जाम फर्दर एग्जामिनेशन के लिए याद कर सकते हैं। कैलेंडर में CALENDY, LEND होता है, AR होता है। आपने घरों में देखा होगा आपके पास पंचांग आते हैं जिसमें लिखा होता है आत्रयोदशी है, त्रयोदशी है, और किस दिन होली है, किस दिन रक्षाबंधन है, तो उसको हम एल्मनैक कहते हैं। तो बस एक याद करने के लिए आपको रखा कि ध्यान रखिएगा कि एल्मनैक में भी ए है और कैलेंडर में भी ए है। ये क्यों याद करना पड़ रहा है? क्योंकि आपके पास एक वर्ड और है कैलेंडर, जिसमें ER है। एक एक प्रकार की मशीन होती है जिसमें हम कपड़ों को दबाते हैं, उसमें चिकना करते हैं, उसको और स्मूथन करा जाता है, तो उस मशीन को हम कैलेंडर कहते हैं। साथ ही साथ हमारे पास एक वर्ड और भी है, क्योंकि जब हम इस क्वेश्चन को कर रहे हैं तो हम इसको पूरा कवर कर लेते हैं। दैट वर्ड इज कोलेंडर। घर में देखा होगा मामा जो है खाना बनाने के बाद जो है राइस को राइस में इसको करती है, तो एक बाउल में डालती है जिसमें बहुत सारे होल्स होते हैं, सारा पानी उससे निकल जाता है, आपके पास राइस के लिए आते हैं, तो उसे हम कोलेंडर कहते हैं। एंड इसकी एक और स्पेलिंग और भी है, कैलेंडर, CULLEND ER। तो आज के बाद आपकी सारी स्पेलिंग याद रखिएगा। कैलेंडर जो आपके घर में है उसमें एल्मनक को से याद कर लीजिएगा, और कैलेंडर में जो प्रेस में हम ई लगा रखा है इसको याद कर लीजिए आप, तो आपको याद हो जाएगा। तो आपका जो पहला ये जो क्वेश्चन है इसका आंसर जो है कैलेंडर है। आई होप कि क्लियर होगा, और आप ये नोट्स ले सकते हैं जब आप इस वीडियो को देख रहे हैं, तो आप ये वर्ड्स को देख सकते हैं। चौथा क्वेश्चन हमारा जो है ईडियम का मीनिंग पूछता है। डैगर्स, डैगर्स का मतलब होता है छुरा, चाकू है ना, चाकू जो सरदार जी लगाते हैं, कृपाण, कृपाण भी कहा जा सकता है इसको, क्योंकि छुरे चाकू की बात आ रही है, तो ये वर्ड तो नेगेटिव होना है, तो मैं इस सही में ये तो कह सकता हूँ कि ये वाला आंसर नहीं होगा। तो एक बार इडियम फ्रेजेस को करने के लिए थोड़ा सा रहता है कि आसपास के आप लिटरल मीनिंग देखिए, फिगरेटिव मीनिंग देख लिए। तो अगर डैगर्स, अगर छुरे जो है खिंचे हुए हैं तो फ्रेंडली तो नहीं होंगे, तो अगर छुरे खिंचे हुए हैं तो लोगों के बीच में पक्का दुश्मनी है, और इसलिए हमारा जो आंसर यहाँ पे बिटरली हॉस्टाइल होगा। डिसीजिंग समबडी इसका आंसर नहीं हो सकता, क्योंकि आप चाकू दिखा के किसी को धोखा नहीं देते, और विदाउट होप इसका आंसर नहीं हो सकता। आप देख सकते हैं इसका आंसर जो हमने लिख भी दिया है, शत्रुतापूर्ण होता है। डैगर्स नॉट, इंडिया एंड पाकिस्तान आर एट डैगर्स नॉट, इस समय बिल्कुल शत्रुतापूर्ण हमारी दुश्मनी हो गई। हमारी जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उसमें आप लेटेस्ट के स्पीचेस देखिए, ऐसा लगता है कि मतलब एक दूसरे को मिलेंगे तो मार ही डालेंगे, तो दे आर एट डैगर्स रॉन्ग। तो आप जब इस ईडियम को जान रहे हैं, तो आज के बाद अगर कभी ये ईडियम आता है तो इस ईडियम का मतलब तो आपको पता होगा, लेकिन क्या आप इसे ऑप्शन के द्वारा हटा पाएंगे? आपके पास कभी भी ये नहीं आता कि आप इस एट डैगर्स रॉन्ग का मतलब क्या होता है, इसको लिखिए। आपको चार ऑप्शन दिए जाते हैं, तो उसमें चार में से हटाना होता है आपको, तो सही आंसर निकालने का प्रयास करिए। तो जब भी आप ईडियम फ्रेज की प्रैक्टिस करें तो इनको आप अकेले याद मत करिए, इनको क्वेश्चन के फॉर्मेट में करिए, और देखिए क्वेश्चन में ऑप्शन कौन सा हटाया जा सकता है। तो इस समय जो आपका क्वेश्चन नंबर 4 है, इसका आंसर जो है 2 है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं हम लोग। वन और सब्स्टिट्यूशन है, अ पर्सन एनिमल और प्लांट मच बिलो द यूजुअल हाइट, जो अपनी हाइट से कम होता है, इसको आप हिंदी में बौना कहते हैं। बौन, एक सेकेंड, इसको आप बौना कहते हैं। तो आंसर तो ड्वार्फ है, ड्वार्फ है, तो इसका आंसर ये होगा। ये वर्ड एनिमल के लिए आ सकता है, प्लांट्स के लिए आ सकता है, पर्सन्स के लिए आ सकता है। हमें से अगर किसी की हाइट बहुत कम है, हम लोग सर्कस में जाते हैं तो वहाँ पे ड्वार्फ इनको जोकर्स कहते हैं, क्लाउन्स कहते हैं, वो हम लोग देखते हैं। तो आखिर ये जो और वर्ड विच और विजार्ड है, इनको मैंने पूरा आपके लिए चार्ट बना दिया है, तो आप इनको चेक कर सकते हैं, इसके नोट्स ले सकते हैं आप। विच जो नॉर्मल वर्ड है, आप सुनते हैं उड़ीसा जैसे है, या मतलब थोड़ा सा रूरल एरिया जहाँ पे अभी एजुकेशन बहुत ज़्यादा नहीं है, वहाँ पे अभी भी विच क्राफ्ट, जादू टोना होता है, और महिलाओं को वहाँ पे मार दिया जाता है। तो विच एक्चुअली एक महिला के लिए कहा जाता है जिसके पास एक ऐसी मैजिक पावर्स होती है जिससे वो गलत चीज़ों को घटित कर सकती है, अंधविश्वास की वजह से होता होगा, उसमें हम नहीं जा रहे हैं।
तो ये इसका एक लिटरल मीनिंग है, लेकिन अगर हम विच किसी एक सामान्य महिला को कहते हैं तो उसका मतलब एक निगेटिव वर्ड है। ऑक्सफोर्ड में आप देखेंगे तो डिसअप्रूविंग का मतलब होता है निगेटिव वर्ड। अगर आप इसको किसी के लिए यूज कर रहे हैं तो शायद उसको एक कॉम्प्लीमेंट के रूप में ये वर्ड दिखाई नहीं पड़ेगा। तो एक बदसूरत अप्रिय बूढ़ी औरत, ठीक है। और विच क्राफ्ट जादू टोना हो गया, जो विच करती है द यूज ऑफ मैजिक पावर्स स्पेशली एलिमेंट्स। तो क्या पॉजिटिव पावर्स भी होती है? कभी हम वन वर्ड, जब हम वन वर्ड के क्वेश्चंस करेंगे तो मैं आपको बताऊंगा आपके मतलब किस प्रकार के जादू टोना किए जा सकते हैं। ये एक जादूगरनी यहाँ पे नेगेटिव वर्ड है। आपके पास एक वर्ड सिविल और है, ये भी एक महिला के लिए आता है, ये भी जादूगरनी कहलाता है हिंदी में, लेकिन इसका मतलब होता है एक महिला जो भविष्यवक्ता है। क्योंकि पुरुष प्रधान समाज में, आपका समाज जो है पुरुष प्रधान है और यहाँ पे महिलाओं को ये ऐसे डिग्निफाइड प्रोफेशंस नहीं दिए गए, तो एक महिला जो भविष्य बताती है उसको सिविल कहते हैं। एक जादूगरनी हिंदी में कहलाता है, लेकिन दोनों वर्ड, एक जादूगरनी आपका ये है, जादूगरनी ये है, दोनों में बहुत अंतर है। अब हम आते हैं वर्ड विजार्ड पे। विजार्ड का जो लिटरल मीनिंग है वो यही है, अ मैन विद मैजिक पावर्स। अब आप जिस व्यक्ति के पास जादुई शक्तियां हैं उसको आप जादूगर कहेंगे, लेकिन सचिन वाज अ क्रिकेट विजार्ड एंड मिस्टर कलाम साहब वाज अ मिसाइल टेक्नोलॉजी विजार्ड। एक दक्ष थे, प्रवीण थे, अ पर्सन हु इज स्पेशली गुड एट समथिंग। तो क्रिकेट हो सकता है, कंप्यूटर हो सकता है, फाइनेंस हो सकता है, तो उसमें आप इसको यूज कर सकते हैं। और ये जो मीनिंग है इसका फिगरेटिव मीनिंग है, ये फिगरेटिव मीनिंग है, आप इसको यूज कर सकते हैं। आई होप ये क्वेश्चन क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 5 जो सामान्य सा क्वेश्चन है, आप लोगों ने पहले वर्ड पढ़ा भी होगा, लेकिन आप पहले वर्ड पढ़ रहे हैं तो अगली बार से अगर विच या विजार्ड या विचक्राफ्ट वर्ड आते हैं तो आपको इनके यूजेज क्लियर होने चाहिए। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन एक सेंटेंस इंप्रूवमेंट क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं, और ये एक कंडीशनल सेंटेंस है, फिर से एक कंडीशनल सेंटेंस है। जैसा कि हम लोगों ने क्लास में कहा कि कंडीशनल सेंटेंसेज का आजकल काफी यूजेज होता है एग्जाम में, आप सीरियस के पेपर में देखिए तो वहाँ आजकल बहुत यूज हो रहा है इसका। ये तो नॉर्मल कंडीशन जो होती है इसमें प्रेजेंट में लिखी जाती है, और जो मेन क्लॉज होता है उसमें फ्यूचर का प्रयोग करते हैं। यहाँ पे विल का प्रयोग कर सकते हैं, शैल का प्रयोग कर सकते हैं, मे का, कैन का प्रयोग कर सकते हैं। कंडीशनल सेंटेंस के जो वीडियो बनेंगे उसमें आपको बता दिया जाएगा चार प्रकार की कंडीशन होती है, नॉर्मल कंडीशन, प्रोबेबल कंडीशन, इम्प्रोबेबल कंडीशन और इम्पॉसिबल कंडीशन। इस समय ये प्रोबेबल कंडीशन है जिसका इस काम के होने के चांसेस बहुत ज्यादा है। अगर आप यहाँ पे गाड़ी पार्क करेंगे तो पुलिस आपको फाइन करेगी, तो ये वाला फ्यूचर में आता है। क्या ये सही हो सकता था? हाँ, ये सही हो सकता था अगर ये एक नॉर्मल कंडीशन रही होती। नॉर्मल कंडीशन होती तो नॉर्मल कंडीशन सही कैसे करते हैं, इसको मैं आपको उन वीडियोज में शो करूंगा जब हम कंडीशनल सेंटेंस को डिटेल में करेंगे। ये टेंस के हिसाब से गलत है। इम्प्रूवमेंट होगा क्योंकि पुलिस फाइन करेगी अगर आप करेंगे, ना कि पुलिस आपको फाइन कर चुकी है। तो इसका जो आंसर क्वेश्चन नंबर 6 है, इसका आंसर जो है, आप सॉरी ये तो हमने हटा दिया, नॉर्मल में होता, ये वाला इसका आंसर 2 होगा। जस्ट अ सेकंड, इसका आंसर जो है 2 है। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। फिल इन द ब्लैंक क्वेश्चन है। क्योंकि हम एसएससी के जब हम प्रिपेयर करते हैं तो हम लोग बैंक के क्वेश्चन के फिलर, बैंक के पेपर में जो फिलर्स आते हैं वो भी हम सॉल्व करते हैं। और मैं बच्चों से बहुत पहले से बोल रहा हूँ, स्टूडेंट से, कि आप अगर प्रैक्टिस करना चाहते हैं जो इस समय वर्तमान में प्रेजेंट में जो ट्रेंड चल रहा है एसएससी का, उसके लिए आपको बैंक के पेपर आपको डिस्कस करने पड़ेंगे। तो उसी में उसी तरीके का है ये। अब देखते हैं क्या क्वेश्चन है। कंपनी हैज द के बाद नाउन आना है, द के बाद सारे नाउन है आपके पास, और प्रोड्यूसिंग द बेस्ट क्रिकेट बॉल्स इन द कंट्री। तो जब हम कंपनी की बात करते हैं तो एक पोजीशन आ सकता है, ब्रांड आ सकता है और रेपुटेशन आ सकता है, ठीक है। ये सारे क्वेश्चंस आ सकते हैं आपके पास सारे, बस ये ओपिनियन नहीं आ सकता। ओपिनियन किसी का किसी के बारे में होगा। तो हिज कंपनी हैज द ब्रांड, हिज कंपनी इज द ब्रांड, अगर हम लगा दें इज द ब्रांड तब ये आंसर आ सकता था, क्योंकि इस कंपनी एक ब्रांड है। तो वो तो लिखा है इस कंपनी के पास ये है। द कंपनी हैज द पोजीशन ऑफ प्रोड्यूसिंग, मतलब पोजीशन तो है लेकिन अभी भी जो है ये इसको प्रोड्यूस नहीं कर रही है। आई हैव द पोजीशन लेकिन मैं काम नहीं कर रहा हूँ, तो ये बेटर नहीं होगा। और जब भी आप यूजेस पे जाएंगे तो आपको ये सबसे अप्रोप्रिएट वर्ड लगेगा, रेपुटेशन। तो इस क्वेश्चन का जो फिल इन द ब्लैंक का क्वेश्चन है, इसका जो आंसर होगा रेपुटेशन होगा। एंटोनिम स्केयर्स, स्केयर्स मतलब कम, कम का मतलब सेल्डम, सिनोनिम फ्यू, सिनोनिम स्कैंटी, सिनोनिम एंड प्लेंटीफुल विल बी एंटोनिम, बहुत आयत में है। अवेलेबल इन लार्ज क्वांटिटी, तो अगर कोई चीज स्केयर्स है तो ज्यादा मात्रा में उपलब्ध नहीं है। अगर कोई चीज प्लेंटीफुल है तो इट इज
enough, it is sufficient, it is इतना है कि हमें कम नहीं पड़ेगा। आपको एक बार स्कैंटी दिखा देता हूँ, स्कैंटी के साथ एक बार स्किम्पी और आता है जो आपको देखना चाहिए। स्कैंटी यही है, टू लिटिल इन अमाउंट। यहाँ पे आप एक वर्ड मेगर भी कर सकते हैं, लेकिन जब ये कपड़ों के लिए आता है तो आज जैसे कि आप देखते हैं कि बहुत छोटे छोटे कपड़े पहनने का ट्रेंड चल रहा है, इस पर मैं कोई कमेंट नहीं करूँगा, लेकिन कपड़े ऐसे हैं कि बहुत छोटे हैं और ये बहुत ज़्यादा बॉडी को ढकते नहीं हैं, बॉडी को एक्सपोज ज़्यादा करते हैं, तो उन क्लोथ्स को हम लोग स्कैंटी या स्कैंटी क्लोथ कहते हैं। स्कैंटी बिकनी, स्कैंटली ड्रेस मॉडल्स। स्कैंटी वर्ड के सेकंड मीनिंग को देख लीजिए, कपड़ों के लिए आने पर एज होगा, लेकिन अगर फूड स्कैंटी है या अमाउंट स्कैंटी है तो इतना कम है कि इसमें आप हमारा काम नहीं चलेगा। क्वेश्चन नंबर 8, स्केयर्स, आंसर इज प्लेंटीफुल। वी आल्सो डिस्कस द वर्ड स्कैंटी एंड विद इट्स मीनिंग फॉर क्लोथ्स एंड अनदर वर्ड स्किम्पी कैन नॉट बी फॉरवर्ड। स्किम्पी का जो है ये मतलब भी हो सकता है, स्किम्पी बहुत कम अमाउंट में। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। दिस क्वेश्चन इज अ क्लोज टेस्ट। क्लोज टेस्ट को करना अधिकतर स्टूडेंट जो है इससे बचना चाहते हैं, लेकिन आज हम वन बाय वन करते हैं, देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या होता है, क्योंकि प्री के पेपर में अगर आपका एक क्वेश्चन गलत होता है तो ध्यान दीजिएगा, आपके 2 नंबर कम हो रहे हैं और ये आपको बहुत नीचे ले जा सकता है। तो यहाँ पे हमें अपना बेस्ट एफर्ट देना है और पूरी कोशिश करनी है कि क्लोज टेस्ट कैसे किया जा सकता है। तो अगर मैं एक ऑप्शंस को स्कैन करता हूँ तो ऑप्शंस में मुझे तो ये ग्रामर का ज़्यादा दिखाई पड़ रहा है, आपका क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 13 वोकैब पेज दिखाई पड़ रहे हैं, और ये ग्रामर दिखाई पड़ रहा है क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 10 भी एक ग्रामर बेस्ड क्वेश्चन दिखाई पड़ता है, क्वेश्चन नंबर 9 भी एक ग्रामर बेस्ड क्वेश्चन दिखाई पड़ता है। ठीक है, तो इसको एक बार हल्का सा रीड करते हैं और देखते हैं क्या इसमें करते हैं, हम एक एक करके क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। सीओ सिटी गवर्नमेंट इज आस्किंग पीपल फॉर हेल्प टू करेक्ट पुअरली ट्रांसलेटेड स्ट्रीट साइंस। सीओल की जो सरकार, शहर की जो सरकार है, लोगों को कह रही है कि भैया हमारे जो स्ट्रीट साइंस हैं जिनको ढंग से ट्रांसलेट नहीं किया गया, इसमें करेक्ट करने में सहायता करिए। विथ प्राइजेज ऑन ऑफर फॉर, और प्राइजेज हैं ऑफर है, प्राइजेज हैं ऑन ऑफर, मतलब प्रस्ताव दिया जा रहा है, प्राइजेज हैं उन लोगों के लिए जो कि सबसे ज़्यादा रस को स्पॉट कर लेते हैं। एक इट इज़ रनिंग अ 2-week कैंपेन कॉलिंग ऑन कोरियंस एंड फॉरनर्स। ये एक 2 हफ्ते का एक अभियान चला रही है जिसमें कोरियंस एंड फॉरनर्स को ये कॉल ऑन कर रहे हैं कि टू कीप देयर आईज पील फॉर इन इंग्लिश। इंग्लिश में जो जो है जापनीज एंड चाइनीज टैक्स, अंग्रेजी जापनीज और चाइनीज टैक्स, मतलब जो स्ट्रीट साइंस है उसमें क्या क्या गलती हो गई है, द कोरियर टाइम्स रिपोर्ट में जो पढ़ना था। देयर इज अ फोकस ऑन पब्लिक ट्रांसपोर्ट साइंस मैप्स एंड इन्फॉर्मेशन साइंस एट हिस्टोरिक साइट। फोकस है पब्लिक ट्रांसपोर्ट साइंस पे, मैप्स पे, इन्फॉर्मेशन साइंस एट हिस्टोरिक साइट, ऐतिहासिक इमारतें हैं, जगह है, एज पार्ट ऑफ अ ड्राइव। ड्राइव ड्राइव का मतलब यहाँ पे एक नाम है अभियान, जैसा आपने देखा था एक कैंपेन सुना होगा आपने, कैंपेन इस ड्राइव, पोलियो एरेडिकेशन ड्राइव, तो यहाँ पे हमें इससे क्वेश्चन से कुछ मतलब नहीं है, लेकिन एक अभियान चला रहे हैं टू इम्प्रूव द एक्सपीरियंस ऑफ फॉरेन टूरिस्ट इन द साउथ कोरियन कैपिटल। तो पूरा जो आइडिया मिलता है इस क्लोज टेस्ट का ये है कि सियोल का जो सिटी एडमिनिस्ट्रेशन है, वहाँ का जो शहर की सरकार है और वहाँ के जो साइंस हैं वो ढंग से लिखे हुए नहीं है, तो लोगों की सहायता मांग रहे हैं और इसमें जो सबसे ज़्यादा करेक्शन करके देगा उसको प्राइज देंगे। चलिए शुरू करते हैं, सॉरी तो पीछे चले गए। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं, विद प्राइजेस ऑन ऑफर फॉर हु स्पॉट, अब जो ढूंढेगा, अब ये एक रिलेटिव क्लॉज है, रिलेटिव क्लॉज के बाद जो ये वर्ब आई है वो प्लूरल नंबर में है, प्लूरल नंबर का मतलब है इसका जो एंटीसीडेंट होना चाहिए प्लूरल होना चाहिए, प्लूरल होना चाहिए, तो दीज का मतलब क्या हो जाएगा, इन लोगों को जो यहाँ पर है, लेकिन जो प्राइस दिया जाएगा उन लोगों को दिया जाएगा जो इसको ढूंढेंगे। तो यहाँ पे ये तो ग्रामर के हिसाब से हम लोग इसको ग्रामर के कॉन्टेक्स्ट से इसको हटा सकते हैं और इसे भी ग्रामर के कॉन्टेक्स्ट से हटाया जाएगा तो हमारा जो आंसर 2 होगा, लेकिन उन लोगों को दिया जाएगा जो कि सबसे ज्यादा एरर्स को स्पॉट करेंगे। इट इज रनिंग अ या 1, एन तो हटा सकते हैं क्योंकि वॉवल साउंड नहीं है, और द जो है आपका स्पेसिफाइड ना होने की, वह वाली 2 हफ्ते की कैंपेन कि हमने स्पेसिफाई नहीं किया, द 2-week कैंपेन दैट द गवर्नमेंट रैन टू क्रिएट अवेयरनेस, उस केस में तो द का प्रयोग किया जा सकता है, लेकिन यहाँ पे द का प्रयोग नहीं होगा क्योंकि स्पेसिफाइड नहीं। अब 1-2 हफ्ते का भी हम यहाँ लिख सकते हैं। एडजेक्टिव में आपने देखा होगा अ 2-hour क्लास, 1-2 घंटे की क्लास, ये एक कंपाउंड एडजेक्टिव है, तो
तो वहां पर हम वन का प्रयोग नहीं करते, वहां पर हम आर्टिकल ए का प्रयोग करते हैं, यद्यपि हिंदी का जो है एक ही आता है, तो इसलिए हमारा आंसर ये नहीं होगा, हमारा आंसर 10 का 1 होगा ए। तो अब तक हमने क्वेश्चन नंबर 9 10 अटेम्प्ट किए, 9 का आंसर जो था सेकंड था और 10 का आंसर जो है 1 है। अब हम जाते हैं 11 पे, 11 पे इट इज क्वेश्चन, तो हमारा सेंटेंस है इट इज रनिंग अ टू बी कैंपेन कॉलिंग ऑन हु कोरियंस एंड फॉरनर्स, तो ये ऑब्जेक्ट हो गए, एंड हाउ कैसे कर रहे हैं, तो वहां पे हमें एडवर्ब चाहिए। अब एडवर्ब के रूप में हमारा अलाइक जो है, मैं आपको नेक्स्ट शीट में दिखा दूंगा, अलाइक एडजेक्टिव एडवर्ब है, सिमिलरली एडवर्ब है, लाइकली केवल एडजेक्टिव के रूप में काम कर सकता है, सेम एडजेक्टिव के रूप में काम करता है, इसको एडवर्ब के रूप में लिखने के लिए हमें इन द सेम मैनर का एक फॉर्म यूज करना पड़ेगा। तो ये दोनों तो हम ऑप्शन जो है मैं ग्रामेटिकली एलिमिनेट कर सकता हूँ। अब क्योंकि ये 11 में कुछ ऑप्शन नंबर 1 और ऑप्शन नंबर 2 दोनों ही एडवर्ब्स हैं और दोनों का मीनिंग भी आइडेंटिकल है ऑलमोस्ट, इसलिए इनको चेक कराता हूँ, मैं आपको दिखाता हूँ, नेक्स्ट दिखाता हूँ। सिमिलरली इन ऑलमोस्ट द सेम वे, सिमिलर लाइक समबडी समथिंग बट नॉट एग्जैक्टली द सेम, तो अगर आपकी शर्ट और मेरी शर्ट सिमिलर है तो करीब करीब जैसी है लेकिन एग्जैक्टली जैसी नहीं है, बट अगर मेरी शर्ट और आपकी शर्ट अलाइक है जैसे आप देख सकते हैं, अलाइक एडजेक्टिव है, नाउन से पहले नहीं आता और एडवर्ब भी है, ये बहुत सिमिलर है, मतलब चांस जो डिफरेंस है वो बहुत ज़्यादा नहीं है। तो अलाइक में अगर मैं इस ऑप्शन में अपने सिमिलरली लगा दूंगा, इसका मतलब ये हो गया कि मतलब किसी को कुछ अलग तरीके से थोड़ा, किसी को ज़्यादा, लेकिन जब सरकार वहाँ पे लोगों को बोल रही है कि गलती ढूंढिए, तो सबको एक ही तरीके से बोलेगी, तो इसलिए बेटर ऑप्शन जो होगा आप एक बार फिर से चेक कर लीजिएगा, वेरी सिमिलर, इन अ वेरी सिमिलर वे, नॉट अ सिमिलर वे, तो ये बेटर ऑप्शन होता है। तो क्लोज टेस्ट में जब भी ऐसे ऑप्शन आते हैं, उस क्वेश्चन को ऑप्शन को टिक करते हैं जिसमें हम सारे ऑप्शन को इंक्लूड कर सकें। तो इसलिए आपका 11 का आंसर सिमिलरली, अगर अलाइक ना होता तो सिमिलरली हो सकता था, लाइकली एक एडजेक्टिव है तो आ नहीं सकता, तो सेकंड बेस्ट ऑप्शन हो सकता था, लेकिन इस समय तो बेस्ट ऑप्शन जो है 1 है। लेट्स मूव टू नेक्स्ट शीट। हमने अब तक जो है 9 कर लिया, 10 कर लिया, 11 कर लिया, एंड नाउ 12, कॉलिंग ऑन कोरियंस एंड फॉरनर्स अलाइक टू कीप देयर आईज पील फॉर, तो इंग्लिश में हम क्या देखेंगे, गुफॉन जो है इसका मतलब होता है बहुत तेज हंसी। अगर आप इसको ढंग से स्कैन करें तो एक चीज आपको दिखाई पड़ रही है, ऑप्शन नंबर 1 और ऑप्शन नंबर 4 सिंगुलर नंबर में है, जबकि ऑप्शन नंबर 2 और ऑप्शन नंबर 3 ये प्लूरल नंबर में है। ऐसा पैटर्न बैंक बहुत फॉलो करता है, जहाँ पे नंबर चेंज कर देगा, पार्टर्न्स भी चेंज कर देगा, और यही पैटर्न हल्के हल्के इंकॉर्पोरेट किया जा रहा है एसएससी के पेपर्स में। तो गलतियां तो होंगी, ओवरसाइट भी चूक होती है, लेकिन चूक है, इसको मैं आपको एक बार चेक करा देता हूँ। ओवरसाइट का मतलब क्या होता है, गुफा नाउन के रूप में बहुत तेज हंसी हंसना, एंड वर्ब के रूप में ठहाका लगाना, ओवरसाइट है, मैं मुझसे गलती हो गई है क्योंकि मैंने इसको देखने में ध्यान नहीं दिया, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे इट लिखना था, मैंने इट की जगह दे लिख दिया, तो ये एक ओवरसाइट है, ऐसा नहीं है कि मैं जानता नहीं ग्रामर, लेकिन मुझसे गलती हो गई। दूसरा क्वेश्चन, दूसरा जो इसका मीनिंग है वो है सुपरविजन, तो ये सारा क्लास चल रही है और इस क्लास को मैं इसमें सुपरवाइज कर रहा हूँ, तो सुपरवाइज करने के लिए मतलब अगर मैं ओवरसाइट है, ये मेरा सुपरविजन है, इसमें क्लास चल रहा है। आपको एक वर्ड और सिग्निफाई अभी देखना है एक ऑप्शन में, तो इसको हम बाद में देखते हैं, पहले हम लौट के आते हैं। अगर ये प्लूरल नंबर में होता तो एक आंसर हो सकता था, ब्लंडर्स अगर प्लूरल नंबर में होता तब भी आंसर नहीं होता, क्योंकि इतनी बड़ी गलती नहीं है जिससे कि जीने मरने का प्रश्न आ जाए। तेजी से हंसी वाला बिल्कुल इररिलेवेंट क्वेश्चन है, इररिलेवेंट वर्ड है, तो नहीं होगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 12 का जो हमारा आंसर होगा वो 2 होगा, ठीक है। अब हम 13 पे आते हैं, 13 पे आते हैं, हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा। थोड़ा टाइम लगता है क्लोज टेस्ट में, लेकिन आप अगर इस क्लोज टेस्ट को ढंग से देख रहे हैं, आपको ढंग से समझ में आ रहा है, तो आप कोशिश करा करिए कि ऑप्शन को हटाया कैसे जाए। तो देयर इज अ फोकस, अगर मैं देखता हूँ यहाँ पे ए लिखा हुआ है और यहाँ पे इम्पोर्टेंट लिखा हुआ है, इसके लिए तो मुझे एन करना पड़ेगा, तो इसको तो मैं ग्रामेटिकली हटा सकता हूँ। सिग्निफाई, कई लोगों को लगता है कि हाँ ये सही हो सकता है, एक सही आंसर है, लेकिन अगर इसकी जगह वर्ड हो सिग्निफिकेंट तो ये एक बेटर ऑप्शन होता है। सिग्निफिकेंट मतलब उल्लेखनीय है, मतलब बहुत ज्यादा फोकस है। इस समय आप देखें, अगर तो चाइना में एक वायरस का स्प्रेड हो रखा, तो वहाँ पे सिग्निफिकेंट फोकस है कि उसकी स्प्रेडिंग को रोका जाए, तो सिग्निफिकेंट, लेकिन सिग्निफाइंग क्यों नहीं हो सकता, ये जानने के लिए हम चलते हैं नेक्स्ट शीट में। सिग्निफाई का मतलब एक मतलब होता है मीन, मतलब होना, टू बी अ साइन ऑफ, व्हाट डज द टर्म प्रैक्टिशियन सिग्निफाई, आप यहाँ पे लिख सकते हैं मीन,
अपनी भावनाओं इच्छाओं को प्रकट करना, इंडिकेट करना, शी सिग्निफाइड हर अप्रूवल विद अ स्माइल, उसने अपने हाव भाव से अपनी भावनाओं को व्यक्त कर दिया। और तीसरा होता है महत्वपूर्ण होना, दीज फैक्ट्स डू नॉट रियली सिग्निफाई इन द ओवरऑल रिजल्ट, 0.02 है तो अगर मेरा बिल आ रहा है 0.02 तो दिस फिगर डजंट सिग्निफाई, इट इज नॉट इम्पॉर्टेंट। तो सिग्निफाइंग का मतलब क्या हो सकता है, भावनाओं को प्रकट करने वाला, मीनिंग इसका मतलब ही हो सकता है, या महत्वपूर्ण होना। तो महत्वपूर्ण होना में प्रेजेंट पास्ट भी बन सकता था, लेकिन क्योंकि इसके और मीनिंग भी आते हैं तो ये एक एम्बिगुअस टाइप का वर्ड होगा इसके, लेकिन अगर सिग्निफिकेंट होता तो ये आंसर होता। अब हमारे पास बचता है, इसको भी इसलिए हटा रहे हैं क्योंकि सिग्निफाइंग प्रेजेंट पास्ट भी यहाँ पे नहीं आ पाएगा। अब अगला वर्ड है पर्टिकुलर और मेटिकुलस। मेटिकुलस का मतलब क्या होता है, बहुत ज्यादा ध्यान देने वाला, रवि इज वेरी मेटिकुलस अबाउट हिज प्रिपरेशन, तो ये अपनी तैयारी को लेकर बहुत चीजों का ध्यान देता है, इसके सारी चीजें बुक्स ढंग से रखी हुई है, इसके जो एडमिट कार्ड है वो ढंग से रखे हुए हैं, तो मतलब सब ध्यान देता है। तो हाँ ये लग सकता है, ये लग सकता है, लेकिन आप मेटिकुलस और जब फोकस कर रहे हैं तब भी आप ज्यादा ध्यान दे रहे हैं, तो इसके साथ लगाने के साथ एक थोड़ा सा रिडंडेंसी का पुट आता है, जिसमें कि एक ही चीज को आप दो दो बार बोल रहे हैं, लाइक आई विल टॉक टू यू एट 6 PM इन द इवनिंग, तो PM भी बोल रहा हूँ, इवनिंग बोल रहा हूँ, तो रिडंडेंसी है, तो अग नहीं होगा, तो एक विशेष फोकस है, पर्टिकुलर फोकस है, 13th आएगा। ठीक है, तो आपने ये देख लिया, सारे वर्ड देख लीजिएगा, यहाँ पे आप वीडियो को रोक सकते हैं और चाहे तो इसके नोट्स बना सकते हैं आप ये। ठीक है, क्लोज टेस्ट को करने के बाद अधिकतर लोग क्लोज टेस्ट कर देते हैं और उसको भूल जाते हैं, लेकिन एक बेटर ऑप्शन होगा कि जहाँ फिलर्स हुए, अगर आपके पास प्रिंट आउट है या आपके पास बुक है और आप उसको बुक पे तो लिखा नहीं जाता क्योंकि आप उसको प्रैक्टिस करते हैं, तो बेटर ये होगा कि जो जो ऑप्शन बने हुए उनको लगा के एक बार पढ़िए, तो आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है ये धीरे धीरे उस क्लोज टेस्ट को एब्जॉर्ब करता है। तो जैसे मैंने दिखाया, तो आप इस वीडियो को रोक सकते हैं, सारे ऑप्शन नीचे लिख दिए मैंने, सारे जो ऑप्शन जो सही है वो देखिए। तो आज के बाद जब भी एक क्लोज टेस्ट करिए तो आप इस बात का ध्यान रखिए कि आप सॉल्व करने के बाद इसको जरूर पढ़िएगा, और ये आने वाले क्लोज टेस्ट आपके बहुत बेटर करेगा, आई कैन अश्योर यू फॉर दैट। तो आप इसको रोक के देख सकते हैं, मैंने डिस्कशन कर दिया है, और अगर आपको लगता है कि यहाँ पे ये वर्ड ना आके ये वर्ड आना चाहिए, तो मैंने आपको अपना ईमेल आईडी दिया हुआ है, मैंने आपको अपना व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, तो आप मुझसे वहाँ पे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। लेट्स मूव टू अनदर क्वेश्चन। यहाँ पे सिनोनिम है क्रॉनिक। क्रॉनिक इज एग्जिस्टिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम, जो काफी लंबे समय से चल रहा है। तो अगर मैं लिखूंगा थोड़ा जरा, क्योंकि अभी इस तरीके से लिखने में थोड़ा मैं एक्सपर्ट नहीं हूँ, तो एग्जिस्टिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम। रवि एक क्रॉनिक स्मोकर है, ये आज से स्मोक नहीं कर रहा है, ये बहुत समय से स्मोक कर रहा है। भारत में जो करप्शन की प्रॉब्लम है वो आज से शुरू नहीं हुई है, वर्तमान सरकार की वजह से नहीं है, पिछली सरकार की वजह से नहीं है, ये प्रॉब्लम क्रॉनिक प्रॉब्लम है जो काफी लंबे समय से चला आ रहा है। तो लंबे समय से चला आ रहा है तो टेम्पररी तो इसका एंटोनिम हो जाएगा, ये तो इसका एंटोनिम होगा, तो ये आंसर नहीं होगा। कॉमन और ऑर्डिनरी इररिलेवेंट, मतलब ये बिल्कुल अलग से वर्ड है, तो इनको हम इसमें यहाँ पे ऐड नहीं कर सकते, ना तो इनका मतलब टेम्पररी से है ना लंबे समय से है। परसिस्टेंट, जो काफी लंबे समय चला आ रहा है और जिससे छुटकारा पाना मुश्किल है, परसिस्ट करना, परसिस्टेंट, जो काफी लंबे समय से चला आ रहा है जिससे छुटकारा पाना मुश्किल है। तो क्रॉनिक का जो कॉन्टेशन है थोड़ा सा नेगेटिव है, आप ये नहीं कह सकते ये क्रॉनिक रीडर, मतलब बहुत लंबे समय से पढ़ाई कर रहा है ना, ये एविड रीडर, पढ़ने में इसको बहुत इंटरेस्ट आता है। क्रॉनिक प्रॉब्लम ऑफ, क्रॉनिक शॉर्टेज ऑफ वाटर, तो क्रॉनिक के लिए जो वर्ड है हम लोग परसिस्टेंट लगाएंगे, ये इसका एंटोनिम बनता, तो ये इसका सिनोनिम होगा, तो 14 का आंसर आपका 1 होगा। फिल इन द ब्लैंक्स। इस क्वेश्चन के अगर मैं ऑप्शन देखता हूँ और मैं बाद में एनालाइज करूंगा कि मुझे इस क्वेश्चन में कहाँ जाना चाहिए था, तो इस ऑप्शन में देखेंगे सारे जो ऑप्शन दिए गए हैं ये कहीं ना कहीं कपड़ों को दिखाते हैं, क्लोथ्स को दिखाते हैं। तो इनमें अंतर क्या क्या है इसको देखने के लिए हम नेक्स्ट शीट पे जाएंगे, फिर लौट के आएंगे, फिर मैं आपको क्वेश्चन दिखाऊंगा। क्वेश्चन में एक ऐसा वर्ड है आपके यहाँ बैठा हुआ है, वर्ड दिखाई पड़ नहीं रहा होगा आपको भी, लेकिन जब देखेंगे उससे आपका आंसर क्लियर हो जाएगा। पहले हमें इनमें डिफरेंसेस क्लियर होने चाहिए कि मतलब ये वर्ड्स होते क्या है। लेट्स मूव टू नेक्स्ट स्लाइड। अपैरल कपड़ों के लिए आता है, क्लोथिंग कपड़ों के लिए आता है, कॉस्ट्यूम कपड़ों के लिए आता है, ड्रेसिंग कपड़ों के अलावा भी कई चीजों के लिए आता है। अपैरल क्लोथिंग व्हेन इट इज बीइंग सोल्ड इन शॉप्स और स्टोर्स, तो दिस इज एन क्लोथ स्टोर, हम लोकल लैंग्वेज में बोल देते हैं, लेकिन इसे अपैरल स्टोर, जहाँ पे कपड़े मिलते हैं, या विशेष परिस्थिति, विशेष ओकेजन पर पहने जाने वाले कपड़े, एग्जाम्पल लॉर्ड्स एंड लेडीज इन फाइन अपैरल, तो एक दिन आपकी शादी तो होगी,
तो आई होप कि आप लोग बड़े अच्छे अच्छे अप्रैल पहने होंगे और आपके फोटो भी अच्छे आ रहे होंगे। क्लोथिंग, अगर आप विशेष प्रकार के कपड़ों की बात करते हैं, विशेष प्रकार क्योंकि मैं एक फायर फाइटर हूँ, तो मुझे जो कपड़े चाहिए होंगे वो मुझे अप्रैल नहीं चाहिए, मुझे प्रोटेक्टिव क्लोथिंग चाहिए होगी। अगर मैं डॉक्टर हूँ तो मेरी जो क्लोथिंग होगी डिफरेंट होगी, मैं अप्रैल नहीं बोलूंगा। कॉस्ट्यूम, फिल्में, हीरो आते हैं, राजकुमार बनते हैं, रानी बनते हैं, राजा बनते हैं, तो उनको जो कपड़े पहनाए जाते हैं इसे कॉस्ट्यूम कहा जाता है। और एक सेकंड मीनिंग और, स्विमिंग कॉस्ट्यूम, आप इसको देख लीजिएगा, स्विमिंग कॉस्ट्यूम, कभी भी आप इसके लिए वर्ड स्विमिंग अपैरल, स्विमिंग क्लोथिंग यूज नहीं कर पाएंगे। तो ये कॉस्ट्यूम है, आप इस फिर से आप इसको रोक सकते हैं, यहाँ पे इसको नोट कर सकते हैं और आप इसके डिफरेंस से जानेगा। आज के बाद अगर आज जो भी इसमें आंसर होगा, इसमें से आंसर एक होना है, लेकिन हो सकता है कल आंसर अप्रैल हो जाए, कल आंसर क्लोथिंग हो जाए, कल आंसर कॉस्ट्यूम हो जाए, कल आंसर ड्रेसिंग हो जाए। ड्रेसिंग के तीन मीनिंग है, उसमें से किस अर्थ में आ जाए, तो हमें इस पर ध्यान देना पड़ेगा। ड्रेसिंग, कपड़े पहनने का तरीका, आपका ड्रेसिंग सेंस तो बहुत अच्छा है, तो अगर यहाँ पे ड्रेस होता तो कपड़ों के सेंस में तो आता, लेकिन एक शायद सही आंसर होता है नहीं होता, पीछे लौट के देखते हैं। ड्रेसिंग करना, पट्टी होती है हमारे में, हमें गुंड हो जाते हैं तो इंजुरी होती है, तो यहाँ पे पट्टी करते हैं, तो ड्रेसिंग। थर्ड, तो थर्ड के लिए तो आपको जरा क्लोरिस्ट होने चाहिए आपके अंदर, आपको थोड़ा किचन में जाना चाहिए। अगर आप सैलेड खाते हैं तो सैलेड पे एक प्रकार की सॉस डाली जाती है, उसको हम ड्रेसिंग कहते हैं, ड्रेसिंग कहते हैं। तीनों को देख लेते हैं। ये वर्ड तो नहीं आ सकता, ड्रेसिंग नहीं आ सकता, सॉरी, पीछे लौटते हैं। यहाँ पे अगर आप इसको क्लोजली वॉच करें तो आपको जो वर्ड दिखाई पड़ रहा है, बैंड्स, बाजे बजाने वाले हैं, बाजा बजा रहे हैं, तो बाजा बजाने वालों के कपड़े आप अगर विजुलाइज करेंगे तो ये कॉस्ट्यूम्स होते हैं, जैसे कि हमारे हीरो जो है मूवी में पहनते हैं, तो कॉस्ट्यूम्स। तो आज इसका आंसर कॉस्ट्यूम्स है, और आपको पता है कि क्लोथिंग इसका आंसर क्यों नहीं है, आपने इसका आंसर क्यों नहीं है, और ड्रेसिंग इसका आंसर क्यों नहीं है, ये जानना ज्यादा जरूरी है। आज हमने ये आंसर लगाया है, कल हो सकता है कि एप्रिल्स में आ जाता, द ब्राइड ग्रूम एंड द ब्राइड वर लुकिंग वेरी अट्रैक्टिव इन फाइन, क्या फाइन क्लोथिंग्स, नो फाइन कॉस्ट्यूम्स, नो फाइन एप्रिल्स, वहां पे ही आएगा। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा, और जैसा कि मैं बार बार बोल रहा हूँ और मैं इसको रिपीट नहीं करूंगा, आपको अगर लगता है कि आपका क्वेश्चन आंसर नहीं हुआ है तो आप हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, मैं आपका आंसर दे दूंगा। ठीक, एक ये जंबल सेंटेंस है, जंबल सेंटेंस में इतना बड़ा पढ़ूंगा और अगर मैंने वोकलाइज किया तो मैं पेपर क्वालिफाई करने नहीं जा रहा, तो मुझे स्कैन करना पड़ेगा, मुझे देखना पड़ा मैंने बी बी ए और डी से स्टार्ट हो रहा है, ये सी से स्टार्ट नहीं हो रहा है, तो सी को मैंने देखा, इट इज वेरी डिस्गस्टिंग एंड हार्ट ब्रेकिंग, ही सेड, उसने कहा, किसने कहा, तो जल्दी से मैंने स्कैन किया तो मुझे दिखाई पड़ा डैरिल ब्लैचली डायरेक्टर, तो इन्होंने क्या कहा वो मैं नहीं जानता, लेकिन अच्छा नहीं हुआ होगा क्योंकि ये बहुत ही डिस्गस्टिंग और हार्ट दिल को तोड़ने वाला है, तो मैं इसको पढ़ने नहीं जा रहा क्योंकि मुझे नहीं है। तो एक आंसर हम यहाँ पे लगा सकते हैं, दूसरा हम लोग इसको देख सकते हैं, एक आंसर मतलब आंसर की तरफ चल सकते हैं, सी और डी को अगर मैं अरेंज करूँ तो सी और डी को अरेंज करने पर जो मैं करूँगा, तो क्योंकि पहले हम इंट्रोड्यूस करते हैं नाउन को, तो हमने सी डी नहीं बन पाएगा, ये डी और सी बनेगा, राइट, ये बनेगा डी और सी बनेगा, इसके बीच में कुछ आ सकता है, हाँ आ सकता है, तो लेकिन मैं अभी भी इसको मार्क नहीं कर रहा हूँ, अदरवाइज मेरे पास इस समय ऑप्शन नंबर टू और ऑप्शन नंबर फोर है, लेकिन मैं बी ए और ए बी को देख लेता हूँ क्या इसमें क्या है। बी बोलता है एक 4.7 मीटर लॉन्ग मर गई फिलीपींस में, जहाँ को ये एक दिन से अटकी हुई थी, और इस पे एक नेक्रोस्कोपी की गई, नेक्रोस्कोपी आप सुनते होंगे वर्ड, ये आपका ऑटोप्सी आता है, ऑटोप्सी वर्ड नेक्रोस्कोपी वर्ड वही है, एनिमल एंड फाउंड अबाउट 40 किलोग्राम ऑफ प्लास्टिक, तो पहले हमें मरी हुई वेल मिलेगी या पहले हम उसकी ऑटोप्सी कर देंगे, ऑब्वियसली अगर हम क्रोनोलॉजी कालक्रम समय की घटनाओं के हिसाब से चलेंगे तो पहले वो मिलेगा, तो ये बी ए आना चाहिए, बी और हाँ ए आना चाहिए, इसके बीच में डॉक्टर नहीं बोलेंगे, पहले वो पूरा नेक्रोस्कोपी कर लेंगे, वी हैव डन नेक्रोस्कोपी ऑन 61 डॉल्फिन्स एंड व्हेल्स इन द लास्ट 10 इयर्स एंड दिस इज वन ऑफ द बिगेस्ट अमाउंट्स ऑफ प्लास्टिक वी हैव सीन, द एनिमल डाइड फ्रॉम स्टार्वेशन एंड वाज अनएबल टू ईट बिकॉज ऑफ द ट्रैश, ट्रैश मतलब कूड़ा, फिलिंग इट्स स्टमक, जो इसके पेट में भरा हुआ था, राइट, तो बी ए आ सकता है, बी ए आ सकता है, बी ए आ सकता है, तो ये आंसर हो सकता है, ये आंसर नहीं हो सकता। अब मेरे पास बचता है 1, 2 एंड 3, 4, 4, अब मुझे डी सी तो चाहिए, डी सी तो चाहिए होगा, तो मेरा ये वाला आंसर नहीं होगा, तो बी ए डी ए डैरल जो बोलेगा और हमने जो बनाया बी ए बनाया, तो ये बी ए को फॉलो नहीं करता, बी ए को फॉलो नहीं कर रहा है, तो क्वेश्चन नंबर 16 का जो आंसर होगा 2 होगा।
इन क्वेश्चंस को मैं क्योंकि एक्सप्लेन कर रहा हूँ तो मैं बोल रहा हूँ, लेकिन जब आप इन क्वेश्चंस को करें तो वोकलाइज मत करिए, लिप्स को मूव मत करिए, क्योंकि अगर आप लिप्स मूव करेंगे तो आपको पढ़ने में बहुत टाइम लग जाएगा ये। और एक चीज जो आप एफर्ट नहीं कर सकते वो टाइम आप एफर्ट नहीं कर सकते। लेट योर आईज वर्क, आईज देख सकती हैं, आईज इनको देख सकती हैं, और ज्यादा क्वेश्चंस करेंगे ना आपको प्रीवियस ईयर के, केवल प्री के नहीं, मैं मेंस के सारे क्वेश्चन करा दूंगा आपके, पीक्यूआरएस टाइप के जो क्वेश्चन आते हैं आपके, मैं आपको बैंक के क्वेश्चन करा दूंगा, उससे करने के बाद हमारा जो है मोमेंटम बढ़ेगा। तो इस समय क्वेश्चन नंबर 16 इसका आंसर जो है टू है, मैंने एक्सप्लेन किया, आप इसको अलग से करिएगा। रॉन्गली एक्सप्लेन वर्ड है, मिस स्पेलिंग है, तो आई थिंक बहुत ही आसान लेवल है इसमें, शोषण करना एक्सप्लॉइट ये गलत है, इसमें ई नहीं आता, एक्सप्लोर फट जाना एक्सप्लिसिट एक एडजेक्टिव है, साफ साफ बोला गया डायरेक्ट एंड क्लियर, एक्सपायर करना खत्म हो जाना, आपकी मेडिसिन एक्सपायर हो जाती है, तो इसमें तो ज्यादा कुछ पढ़ने को नहीं है हमारे पास। आसान क्वेश्चन है, लेकिन क्या ये आसान क्वेश्चन है? नहीं, ये बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन है, इसको देखने का पर्सपेक्टिव है। अगर आपसे क्वेश्चन गलत हुआ, क्योंकि हर वो बच्चा जिसने प्रिपरेशन नहीं की है वो भी इस क्वेश्चन को सही करने जा रहा है, अगर कहीं आपसे गलती से गलत हो गया तो आप नहीं कर सकते, अगला मैच ही खेलना पड़ेगा। अगर आप आउट हो गए एक बॉल पे तो आप यहाँ पे बैटिंग कर रहे हैं, बॉलिंग नहीं कर रहे हैं, और अगर एक बॉल खराब चली गई तो प्रॉब्लम हो जाएगी। तो इस क्वेश्चन को हम लोग, आसान क्वेश्चन है तो इसमें ज्यादा डिस्कशन की आवश्यकता नहीं है। लेट्स एंटोनिम है एक्सपेंड करना, विस्तार करना, एक्सपेंड करना। सिकोड़ने के लिए आपके पास जो वर्ड है वो कॉन्स्ट्रिक्ट है, सिकोड़ देना। आपके पास कंप्रेस है, कंप्रेस कर देते हैं आप फाइल को। अगर आपने एक वर्ड सुना होगा कॉन्ट्रैक्ट, तो अगर आप इसे वर्ब के रूप में देखें तो इसका मतलब ही सिकोड़ना होता है। तो एक्सपेंड के जो एंटोनिम है, कॉन्स्ट्रिक्शन हो सकता है, कंप्रेशन हो सकता है, कॉन्ट्रैक्शन हो सकता है। आपने साइंस में क्वेश्चन किया होगा कि ऐसा क्या रीजन है कि अगर ये जो बिजली के तार होते हैं इनको लटका के लगाया जाता है, तो इसमें क्या होता है, कॉन्ट्रेक्शन होता है और एक्सपेंशन होता है। तो कॉन्ट्रेक्शन तो यहाँ पे ऑप्शन है नहीं, और एक्सपेंड करना बढ़ा देना, एक्सटेंड करना भी बढ़ा देना। आज की क्लास को हम आधा घंटा एक्सटेंड कर रहे हैं, इसका मतलब समय में बढ़ा रहे हैं। आज की हम आपकी क्लास को एक्सपेंड कर रहे हैं, हमारी क्लास में इसमें जो कैपेसिटी है बैठने की वो 150 बच्चों की, अब इसको 200 के बच्चों की कैपेसिटी कर रहे हैं। तो दोनों का मतलब बढ़ाना होता है, एक्सपेंड का मतलब बढ़ाना, लेकिन अगर मैं सिटिंग कैपेसिटी बढ़ा रहा हूँ तो एक्सपेंड कर रहा हूँ, लेकिन आज मैं अपने क्लास के टाइम को बढ़ा रहा हूँ तो इसको एक्सटेंड कर रहा हूँ। तो ये तो सिनोनिम में जा सकता है, लेकिन इसका आंसर नहीं होगा। इन्फ्लेट करने का मतलब क्या होता है, फूलना, फैलना, बढ़ना, तो ये भी एक आंसर सिनोनिम में नहीं हो सकता। सिनोनिम तो हो सकता है, सिनोनिम हो सकता है ऑगमेंट करना भी, बढ़ाना, जैसा मैंने आपको एक्सटेंड दिया ये वाला एक्सपेंड, कि हम अपनी सिटिंग कैपेसिटी को एक्सपेंड कर रहे हैं, ऐसे ऑगमेंट कर रहे हैं। मैंने अपने फोन में मेरा बेटा बताता है मुझे कि कई चीजें लगा के उसकी जो कैपेसिटी है उसको काफी ऑगमेंट किया जा सकता है, बढ़ाया जा सकता है, इंक्रीज किया जा सकता है। तो वोकैब के सेशंस में हम इनके नुएंसेस देखेंगे, इनको इनके यूजेस के साथ पढ़ेंगे। तो आप कनेक्टेड रहिएगा, आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और नए नए वीडियोज आपको मिलते रहेंगे जो बहुत ही, आई कैन प्रॉमिस, आपके लिए बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होंगे। इस समय जो आंसर है वो इसका कंप्रेशन होगा, और मैंने बताया कि और आंसर क्यों नहीं होंगे। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर आपने पिछले ईयर के पेपर किए हैं तो इसका आंसर ट्रुएंट है। जो बच्चा बगैर बताए छुट्टी करता है, या फिर घर पे मेड है, काम वाली है, बगैर बताए छुट्टी करती है, तो हम इसका यूज कैसे करते हैं? रवि इज अ ट्रुएंट, लेट्स से ही इज अ ट्रुएंट, राइट, वो बगैर बताए करता है। एंड अभी देखा होगा रेन इज प्लेइंग ट्रुएंट, टू प्ले ट्रुएंट, बगैर बताए नागा करना। अभी अगर आपके यहाँ लाइट समय पर नहीं आती या आपके बगैर शेड्यूल के चली जाती है तो आप कह सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी इज प्लेइंग ट्रुएंट। तो इसके यूजी जाना जरूरी है, इस समय तो आंसर इसका ही है, लेकिन और ऑप्शंस को हम देखेंगे। जस्ट अ सेकंड, लेट मी रिमूव इट, राइट। वैग्रेंट देख लेते हैं, अ पर्सन हु इज नो होम और जॉब, और जिसका घर बार नहीं है और जो पैसे मांगकर अपना जीवन यापन कर रहा है क्योंकि गरीब, घर बार नहीं है। आइटिनरेंट काम की तलाश में एक जगह से दूसरी जगह जाता है। माइग्रेंट भी काम की तलाश में एक जगह से दूसरी जगह जाता है, लेकिन साथ ही साथ ये बर्ड्स, बर्ड्स के लिए आता है। चिड़िया जब मौसम में, जब उसको
अनफेवरेबल डिसीजन होता है, जब उसको खाना नहीं मिलता तब वो आप दूसरे एरिया को माइग्रेट करती है। तो एमिग्रेंट, इमिग्रेंट, माइग्रेंट, आइटिनरेंट में जो डिफरेंसेज हैं वो मॉक एप्लीकेशन में डिस्कस करेंगे इस समय, क्योंकि हम पेपर डिस्कस कर रहे हैं और हमारा आंसर जो है ट्रूएंट है और वैलिडेंट मैंने कर दिया, आप इसको नुएंसेस देख सकते हैं। आइटिनरेंट एक व्यक्ति वो भी है जो शेड्यूल के साथ यात्रा कर रहा है। तो अभी आपने एक वर्ड पढ़ा होगा आइटिनररी, ट्रैवल प्रोग्राम। तो अगर अभी लग रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप इंडिया आएंगे तो उनकी एक आइटिनररी आएगी, ट्रैवल प्रोग्राम आएगा कि भैया किस दिन ये दिल्ली आएंगे, क्या आगरा आने की इनकी संभावना है, हमारे आएंगे या नहीं आएंगे। तो एक आइटिनररी होती है, तो आइटिनरी एक व्यक्ति है, आइटिनररी एक प्रोग्राम होता है। आई होप के आपको समझ में आया। एक्टिव पैसिव, आई थिंक सबसे इजी टेक जो है वो यही है। इसमें हमें केवल इस पे मार्क करना होता है कि सेंटेंस क्या है। तो ये तो एडवर्ब है, मैं इसको हटा रहा हूँ, वॉज बीइंग चेक्ड, इसका सॉरी वॉज बीइंग चेक्ड ये है। ये पास्ट कॉन्टिन्यूस का पैसिव बना हुआ है, पास्ट कॉन्टिन्यूस का पैसिव बना हुआ है। अभी आपको मेरे सेशन देखने पड़ेंगे, ये क्वेश्चंस आपको बहुत आसान लग रहे होंगे, लेकिन जब ये एक्टिव पैसिव जब करेक्शन या इम्प्रूवमेंट में आता है तो ये बहुत डिफिकल्ट होते हैं। तो इस समय वॉच, ये एडवर्ब है, इसको हटाइएगा, आप सब हटा दीजिए, वॉच बीइंग। तो इसका जो एक्टिव वॉइस होगा वो होगा वॉच या वर्क चेकिंग। तो वॉच या वर्क चेकिंग देखेंगे तो यहाँ पे तो है बीइंग चेकिंग है, तो ये आंसर नहीं हो सकता। वर्क चेकिंग, हाँ ये आंसर हो सकता है, ये हो सकता है, ये तो प्रेजेंट परफेक्ट है, पास्ट कॉन्टिन्यूस ही नहीं है, ये भी पास्ट कॉन्टिन्यूस है, ये भी एक आंसर हो सकता है। अब देखते हैं एवरी पासिंग व्हीकल, ये पैसिव का सब्जेक्ट है तो ये एक्टिव का सब्जेक्ट नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। पैसिव का सब्जेक्ट जो एक्टिव में जाएगा तो वो ऑब्जेक्ट बनेगा, और जो बाई के साथ ऑब्जेक्ट लगा होगा या किसी और प्रपोजिशन के साथ लगा होगा वो सब्जेक्ट बनेगा। तो इसलिए हम आंसर 4 लगाएंगे, इस क्वेश्चन को कभी भी गलत नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर से एक पैसिव वॉइस है, ये एक इंपरेटिव सेंटेंस है। इंपरेटिव सेंटेंसेस में आप लेट से कर सकते हैं। अगर आप, मैं इस ऑप्शन को देखता हूं तो ये मॉडल्स के साथ गया है, कुड नॉट, नीड नॉट, शुड नॉट एंड माइट नॉट। कई जगह आपको लिखे दिखाई पड़ेगा कि नीड नॉट और शुड नॉट का मतलब एक है, लेकिन इनके अर्थ में अंतर होता है। तो इस समय क्योंकि हम बहुत डिटेल में नहीं जा रहे हैं कि वॉइस को कैसे सॉल्व किया जाता है, इंपरेटिव को कैसे सॉल्व करते हैं, एडजेक्टिव को कैसे सॉल्व करते हैं, अगर आपको इंपरेटिव सेंटेंस को एक्टिव से पैसिव करना है तो आप एक मॉडल यूज करेंगे, वो शुड करेंगे। मैं एक बहुत बड़ी प्रेजेंटेशन बना रहा हूँ, इसमें हम 400-500 क्वेश्चंस करेंगे, पीवीसीएस के सारे पेपर डिस्कस कर लेंगे, उसमें सारे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, तो मैं आपको ये प्रूव कर सकता हूँ कि ये शुड आता है, नीड नॉट नहीं। तो उसमें कई बुक्स में आपको दिख जाएगा कि ये भी आंसर हो सकता है, ये आंसर नहीं है, क्योंकि मॉडल गलत है, आप आंसर 3 के साथ चाहिए। टू प्ले डक्स एंड ट्रिक्स, डक्स एंड ट्रिक्स, आजकल जो है कई यूथ जो है, आप देखिए सिनेमा हॉल जाइए या रेलवे स्टेशन जाइए, वो प्लेन फोन खेल रहे हैं, तो दे आर प्लेइंग डक्स एंड ट्रिक्स विद देयर टाइम। बर्बाद करना, तो बर्बाद करना क्योंकि एक नेगेटिव वर्ड है, तो और ये दोनों ऑप्शन जो है आपको पॉजिटिव दिखाई पड़ रहा है, तो ये तो आंसर नहीं है हमारे, ये नहीं है। रेकलेसली मतलब बगैर ध्यान दिए, तो इसका आंसर होगा टू यूज रेकलेसली, रेकलेस मतलब रैश, बगैर सोचे समझे कि इसका प्रभाव क्या होगा। वो कैब में हम क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, वर्ड डिस्कस करते हैं, रेकलेस लापरवाही से खर्च करना, व्यर्थ करना। सेंटेंस एरर क्वेश्चन, नो एरर तो है नहीं, तो मतलब आंसर तो है। साइक्लोन इदाई किल्ड एटलीस्ट 157 पीपल इन जिम्बाब्वे एंड मोजाम्बिक, ऑल्दो इट टूर अक्रॉस सदर्न अफ्रीका। टूर अक्रॉस मतलब बहुत तेजी से गया। तो अगर आपने क्वेश्चंस करे हैं कंजंक्शन के, पहला क्वेश्चन मैंने किया था जहाँ पे इन केस दैट को हटा के रिक्वेस्ट किया था, इस पर दोनों क्वेश्चन कंजंक्शन के हैं, और कंजंक्शन के क्वेश्चंस का जो स्टैंडर्ड है थोड़ा अच्छा होता है, ये ग्रामर बेस्ड कम लॉजिक बेस्ड ज़्यादा होते हैं, लॉजिक से निकलते हैं। कभी जिस दिन जब हम बात करेंगे कंजंक्शन की, जब कंजंक्शन की आपके पास वीडियो आएंगे, कंजंक्शन की वीडियो में हम थ्योरी का क्वेश्चन ज़्यादा करेंगे। तो अगर ये ऑल्दो है तो इनके कॉज इफेक्ट कॉन्ट्रडिक्टरी होते हैं, इसका मतलब ये अगर ऑल्दो सही है, यहाँ पर ऑल्दो सही है, यद्यपि साउथ अफ्रीका से तो गुजरा लेकिन मरा कोई नहीं, लेकिन यहाँ पे तो लोग 157 लोग मरे हैं, दैट इज सब्सटेंशियल नंबर, दैट इज अ बिग नंबर, तो यहाँ पे तो नहीं होगा किल्ड है। तो ऑल्दो की जगह अगर मैं वही बिकॉज कर लूँ, तो क्योंकि ये गुजरा तो मरे, ये हो सकता है,
क्योंकि वहां से गुजरा और किसी जगह से गुजरा नहीं गुजरा, बिकॉज एक आंसर हो सकता है, लेकिन जब ये यहां से गुजरा ये भी आंसर हो सकता है, व्हेन जब ये यहां से गुजरा, तो हाँ आंसर जो है वन है, और सेंस पे डिपेंड करते हुए आप यहाँ पे बिकॉज भी पुट कर सकते हैं, क्योंकि ये इधर से गुजरा तो कम से कम इसने इतने लोगों को मार दिया, और जगह से नहीं गुजरा तो वहां से, बिकॉज एक दूर से एक आंसर बन सकता है, लेकिन आंसर जो है इसमें वन है, और वेन जो है बेटर आंसर होगा, तो ये एक सही आंसर है, ये एक बेटर आंसर है। आंसर इज फॉर क्वेश्चन नंबर 23 इट वन। कोर्स करना, आजकल पेरेंट्स बच्चों को कोर्स करते हैं पढ़ाई करिए, फुसलाते फैलाते नहीं, तो प्रेशराइज करना, दबाव डालना किसी के ऊपर, कुछ काम करने के दबाव डालना, कैजुअल करना किसी को, कैजुअल करते हैं तो आप ये मान लीजिए कि हम किसी को बहलाते फुसलाते हैं, किसी को झूठे वायदे करते हैं, आपको मम्मी से कुछ काम करवाना है तो आप हमको कैजुअल करेंगे, आप उनको प्रेशराइज नहीं कर सकते, कैजुअल करना बहलाना, तो किसी को टू परसुएड समबडी टू डू समथिंग बाय मेकिंग फॉल्स प्रॉमिसेस कि मैं आपके लिए कर दूंगा, मैं आपका अच्छा बच्चा हूँ, तो बहलाना फिसलाना, लीव करना इररिलेवेंट वर्ड है, एंचेंट करना सम्मोहित करना, सम्मोहित करना और बाध्य करना में कहीं से कोई रिलेशन दिखाई नहीं पड़ता, और सिनोनिम चाहिए, प्रेशराइज करना है, कोर्स है, आप फोर्स कर सकते हैं, यहाँ पे वर्ड आप कंपेल वर्ड यूज कर सकते हैं, तो ये तो हो सकते हैं ये आंसर में। I think ये क्वेश्चन नंबर 25 लास्ट क्वेश्चन है, और इस केस में सेंटेंस इंप्रूवमेंट क्वेश्चन है, फॉर अ लॉन्ग टाइम एक्चुअली एक इंडिकेटर है प्रेजेंट परफेक्ट का, सॉरी एक परफेक्ट का या परफेक्ट कंटीन्यूअस फॉर्म का, तो उस हिसाब से मेरे पास परफेक्ट कंटीन्यूअस भी दिया गया है, परफेक्ट भी दिया गया है, ये दोनों हो सकते हैं, लेकिन जो सब्जेक्ट है यहाँ पे द वर्कर्स है जो प्लूरल है, इसलिए यहाँ पे हैज नहीं हो सकता, हैव होता तो मैं इसे ऑप्शन में कंसिडर करता, कंसीडर करता मैं इसे, तो ये आंसर क्यों नहीं हुआ, क्योंकि ये परफेक्ट कंटीन्यूअस का इंडिकेटर है और ये पास्ट इंडेफिनिट है, तो परफेक्ट कंटीन्यूअस में तो ये जा नहीं सकता ये, और ये डेली क्यों गया, क्योंकि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट बन रहा है, तो अगर ये फॉर अ लॉन्ग टाइम ना हो, फॉर अ लॉन्ग टाइम ना हो तो क्या सेकेंड आंसर हो सकता था, हाँ हो सकता था, द वर्कर्स ऑफ दिस टेक्सटाइल कंपनी डिमांड हायर वेज, इस कंपनी के भैया लोग जो है वो बड़ी सैलरी की मांग करते हैं, करते हैं तो हाँ करते हैं, लेकिन इसकी वजह से ये आंसर नहीं होगा। उस स्थिति में क्या होता अगर यहाँ पे हैज की जगह हैव होता, तो आने वाले क्वेश्चंस के लिए आप ध्यान रखिएगा, अगर ऐसे फॉर अ लॉन्ग टाइम सिंस 1990 ये दिए हुए हैं और प्रेजेंट परफेक्ट भी सही होता है करेक्शन में और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्फिडेंस भी सही होगा, लेकिन आप इम्प्रूवमेंट में प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्फिडेंस के साथ जाइएगा जब तक कि ऐसी वर्ब आए जिसका कॉन्फिडेंस फॉर्म बन सकता हो, तो इसको डिटेल में पढ़ सकते हैं टेंसेस के टॉपिक में। तो आई होप कि आज आपको मैंने 25 क्वेश्चन डिस्कस कराए और आपके अधिकतर क्वेश्चन सॉल्व हो गए होंगे, हो सकता है वॉइस में मॉड्यूलेशन ज़्यादा रहा हो क्योंकि मेरा पहला वीडियो है ये, आई होप कि आप इसको समझेंगे और आगे जानेंगे, तो अब तो ये ख़त्म हो चुका, तो मेरी तरफ से आपको थैंक्स है, और आपको कोई भी क्वेरी है, कोई फीडबैक है तो वो आप मुझे दे सकते हैं, आपके पास मेरा ईमेल आईडी है, आपके पास मेरा व्हाट्सएप नंबर है, और अगर आप चाहते हैं कि हम इसी प्रकार के वीडियोज आपको लगातार देते रहे तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, ये तो एक फॉर्मेलिटी है जो मुझे करनी ही पड़ेगी, सब्सक्राइब करिएगा और जितना ज़्यादा हो सके इसको शेयर करिएगा ताकि लोगों तक ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक अवेयरनेस फैले। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।